आम्रपाली के लिए पवन सिंह ने कभी कुछ गलत नहीं कहा। वैसे पवन सिंह अपनी अमूमन सभी हीरोइनों के लिए कभी कुछ गलत नहीं कहते हैं ऑन कैमरा। हाँ, ऑफ कैमरा हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऑन कैमरा उन्होंने हमेशा आम्रपाली की तारीफ़ की है और आम्रपाली के सच्चे दोस्त बनकर आए हैं। आपको ये भी बता दें कि जब पवन और अक्षरा का विवाद हुआ था तब भी आम्रपाली ने किसी का साथ नहीं दिया था। जी हाँ, वो न्यूट्रल बनी रही और अपनी दोस्ती उन्होंने पवन से भी निभाई और अक्षरा से भी निभाई। उस वक्त उन्होंने ना ही अक्षरा के बारे में कुछ गलत कहा, ना ही पवन सिंह के बारे में कुछ गलत कहा, जबकि ये दोनों आम्रपाली के बेस्ट फ्रेंड्स में से एक है। खैर, आगे हम आपको ये बता देते हैं कि आम्रपाली के साथ पवन सिंह की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया है। फिर वो रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया की बात रही हो या फिर उनकी फिल्म शेर सिंह की बात रही हो, दोनों में इन दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया और दर्शक इन दोनों की जोड़ी को हमेशा साथ देखना चाहते हैं। लेकिन ये बात और है कि इन दोनों की जोड़ी पहले पर्दे पर बहुत ही कम देखने को मिलती है। आम्रपाली ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में निरहुआ के साथ करती हैं, तो वहीं पवन सिंह अब नए चेहरों के साथ ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन इस वक्त इन दोनों की दोस्ती का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जी हाँ, मीडिया में इन दोनों की दोस्ती का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आप ये कहेंगे कि बॉन्डिंग होनी चाहिए दोस्तों में, तो ऐसी होनी चाहिए। वैसे आम्रपाली के सामने पहले पवन सिंह काफ़ी नर्वस हो जाया करते थे, लेकिन वो आम्रपाली की संगत का असर है कि उनके साथ फिल्में और आइटम सॉन्ग करने के बाद पवन सिंह आज उनके सामने सबसे ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।